हेलो गाइस, वेलकम टू असम एंड वेलकम टू माय होम। शांत शांत माहौल और आप देख पा रहे हो वेदर पूरा ग्रीनरी और पीछे क्लाउड्स है। देखो यहाँ पे बारिश वगैरह आने वाली है। आज ना आप लोगों को मैं एक नॉलेज देने वाला हूँ और मुझे खुद एक्सपीरियंस हुआ है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ। इस बकेट में देखिए फुल ऑफ फिश है जो मैं कुर्ला फिश मार्केट से लेकर आया हूँ। देख पा रहे हो भरा हुआ है। ठीक है, अभी सवाल यही है कि क्या आपके फिश ने सर्वाइव की है इतनी दूर की जर्नी और आप कैसे आए। मैं फ्लाइट से नहीं आया, मैं ट्रेन से आया हूँ। स्पेशली इन फिश को लाने के लिए मैं ट्रेन से आया था और ट्रेन ने 10 घंटे लेट कर दी, यानी कि 48 प्लस 10 कितना होता है 58 आवर्स की मुझे जर्नी पड़ी है और मेरी फिश बिल्कुल सही सलामत है। गाइस, मैं क्या क्या फिश लेकर आया वो तो मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखाने ही वाला हूँ शॉर्ट्स के मिनी ब्लॉग पे, और पूरा ओपन करके आपको मैं एक लॉन्ग वीडियो में दे दूंगा। लेकिन जानने वाली बात यह है कि इनमें ना नॉर्मल ऑक्सीजन किया गया था, जिसमें मुझे शॉपकीपर ने क्लियरली बोला था कि 2 दिन से ज्यादा हम भेजते नहीं है। लेकिन मैंने बोला कि 3 दिन का जर्नी होगा पर आप भेज दो, और अगर आप जो है नॉर्मल ट्रेन पे आ रहे हो, स्लीपर क्लास पे आ रहे हो तो मत आइए। अगर आप ऐसे ट्रेन पे आ रहे हो जहाँ पे फुल्ली एसी एयर कंडीशन है, डेफिनेटली आपके फिश को कुछ नहीं होगा। तो ऐसे पैकिंग करवा के लेके आस होगा जिसपे जो है आराम से 3-4 दिन सर्वाइव कर जाए।